दोस्तों साल 2009 में एक देश के अंदर एक 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा दे दी गई थी। रीजन बस इतना था कि उसके घर से एक बहुत ही खतरनाक किताब बरामद की गई। ये किताब इतनी खतरनाक थी कि इससे उस देश की कल्चरल इंटीग्रिटी सैक्रिफाइस हो रही थी और इसमें इतना खतरनाक कंटेंट था कि 52 कंट्रीज ने इसको ऑफिशियली या अनऑफिशियली इलीगल करार दे रखा है। नाउ गेस करो कि ये खतरनाक बुक कौन सी हो सकती है। फॉर योर सरप्राइज, दिस बुक वॉज नन अदर देन द होली बाइबल। और माँ बाप के पास बाइबल पाने के लिए एक 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा सुनाने वाला देश भी कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया था। नॉर्थ कोरिया, जिसके संविधान के हिसाब से तो वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मतलब एक लोकतांत्रिक देश है, पर उसकी हकीकत क्या है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। यहाँ ना तो आप अपने पसंद का चैनल देख सकते हैं, ना तो अपने पसंद के कपड़े पहन सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आपको नॉर्थ कोरिया में ही एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उसके लिए भी आपको परमिट लेने की जरूरत पड़ती है। ये है यहाँ की डेमोक्रेसी और यहाँ की फ्रीडम। अब देखो, मेरे मन में यहाँ पर एक सवाल आया कि जब यहाँ पर इतनी सख्ती है और इतना ज्यादा जुल्म होता है तो इस देश को तो लोगों को छोड़ देना चाहिए और लॉजिकली हर साल यहाँ पर देश को छोड़ने वाले लोगों की तादाद बढ़ती रहनी चाहिए, राइट? बट सरप्राइजिंगली दैट इज नॉट द केस, क्योंकि स्टैटिस्टा द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा के हिसाब से साल 2016 के बाद से नॉर्थ कोरिया की सरहद पार करने वाले डिफेक्टर्स की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या नॉर्थ कोरिया की स्थिति सुधरती जा रही है जिस वजह से लोग इस देश को छोड़ना नहीं चाहते, या फिर इस देश के अंदर कोई ऐसी डार्क रियलिटी छुपी हुई है जो आपसे छिपाई जा रही है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं नॉर्थ कोरिया के डार्केस्ट सीक्रेट के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 15 अगस्त 1945 के दिन से, जब जापान के सरेंडर के बाद कोरियन पेनिनसुलर स्ट्रगल शुरू हुआ। जहां नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर का सपोर्ट मिल रहा था तो वहीं पर साउथ कोरिया को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से इन दोनों रीजन में काफी बैक एंड फोर्थ हुआ और फाइनली कुछ सालों के बाद नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों आपस में ऑफिशियली सेपरेट हो गए। अब जब इन दोनों रीजन का डिविजन हुआ था तब नॉर्थ कोरिया के पास साउथ कोरिया से ज्यादा रिसोर्सेज थे, पर उसके बाद जो हुआ वो प्रूव करता है कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह रिसोर्सेज के बिना भी पूरी कंट्री को चेंज कर सकता है। देखो, नॉर्थ कोरिया जिसके पास ढेर सारे रिसोर्सेज और सपोर्ट था, साल 1953 में कोरियन वॉर के बाद से वहाँ किम सेकंड सुंग ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और जिसने उसकी नहीं सुनी ना उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया या फिर मरवा दिया गया। किम सेकंड सुंग अपने आप को सुप्रीम लीडर डिक्लेयर करने के चक्कर में बहुत पैसे खर्च करने लगा। उसने पूरे देश में अपनी सैकड़ों मूर्तियां लगवाने का ऑर्डर दे दिया और नॉर्थ कोरियन टेक्स्ट बुक्स में अनटसंट चीजें लिखवा दिए जिनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरियन टेक्स्ट बुक में ये पढ़ाया जा रहा था कि किम सेकंड सुंग ने सिंगल हैंडेडली यानी अकेले दम पर पूरे जापान को हरा दिया था, वो भी बड़ी ही आसानी से। अब नॉर्थ कोरिया के पास कोल और मिनरल्स बहुत थे मगर किम ने हमेशा कमांड इकोनॉमी का रास्ता अपनाया, जिसका मतलब कि इकोनॉमी और बिजनेसेस का पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास ही रखा गया। अब साउथ कोरिया के भी साल 1960 तक कुछ अच्छे हालात नहीं थे, जहां एक्सप्लॉइट और डोमिनेट करने के इरादे से वहां पे भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर कुछ ज्यादा नहीं किया गया। मगर दोनों कोरिया का भविष्य बदला साल 1960s से। साल 1962 में यूएसएसआर और चाइना से संबंध थोड़े बिगड़ने के बाद नॉर्थ कोरिया ने जूचे फॉर सेल्फ डिफेंस पॉलिसी अनाउंस की, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया ने अपना 3/4 हिस्सा मिलिट्री वेपन और ऐसी हैवी इंडस्ट्रीज में डालना शुरू किया और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को उतनी वैल्यू नहीं दी, जिसकी वजह से मिलिट्री वाइज तो नॉर्थ कोरिया फ्लॉरिश होने लगा था मगर बाकी के इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने लगी, लीडिंग टू हैवी मिलिटराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया, वेयर इज साउथ कोरिया में ठीक इसका उल्टा हुआ। साल 1961 में जनरल पार्क चुंग ही ने कूप करके पूरी पावर को सीज कर ली और इकोनॉमी समेत पूरे साउथ कोरिया की कमान अपने हाथों में ले ली। रिजल्ट, साउथ कोरिया ने जापान से इंस्पायर होकर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को डेवलप करना शुरू कर दिया और अपने प्रोडक्ट्स ग्लोबली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नाउ अनलाइक नॉर्थ, साउथ कोरिया की मार्केट इकोनॉमी में बिजनेसेस के लिए उतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, जिस वजह से ज्यादा लोग या तो एज ए मैन्युफैक्चरर या फिर एज ए लेबर इस इंडस्ट्रीज का हिस्सा बन गए और साउथ कोरिया की इकोनॉमी बूम करने लगी और यहाँ ढेर सारा फॉरेक्स आने लगा। अब इसी ट्रेंड के कारण जहाँ नॉर्थ कोरिया और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड और डिक्टेटेड होने लगा, वहां पर
प्रोडक्शन नहीं बल्कि मिलिट्री को अहमियत दी जा रही थी, तो वहीं पर साउथ कोरिया विद टाइम और प्रॉस्पर होने लगा और वहां सैमसंग जैसी कंपनीज के एस्टैब्लिश होने के साथ साथ ढेर सारी फॉरेन कंपनीज और कंट्रीज ने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों एक तरफ जहां मिलिट्री माइंडसेट और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, तो वहीं पर दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जा रही थी। नाउ ग्रेजुअली डिकेड्स बीतते गए और जहां नॉर्थ कोरिया आज दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक बन चुका है, तो वहीं पर साउथ कोरिया दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। आज की हालात ये है कि नॉर्थ कोरिया में बाहरी दुनिया से कुछ भी नहीं आ सकता। यहाँ इंटरनेट बैंड है और इंटरनेट की जगह यहाँ के लोगों को क्वाम योंग का एक्सेस दिया जाता है, जो इंटरनेट का एक ऐसा अल्टरनेटिव है जिसे पूरी तरह गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है और इस इंटरनेट को सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। अब फॉरेन मूवीज, सॉन्ग्स और यहाँ तक कि फॉरेन बुक्स भी यहाँ इल्लीगल है, और अगर कोई भी ऐसे किसी सब्सटेंस को पोजेस करते हुए यहाँ पर पाया गया तो उसके पूरे खानदान को सजा दी जाती है, जिसका सीवियर एग्जांपल हमने आपको पहले ही दे दिया था। तो अब सवाल ये आता है कि यहाँ के लोग देश को छोड़ के बाहर क्यों नहीं चले जाते? तो देखो, नॉर्थ कोरियन सिटीजंस का देश छोड़कर जाना भी बैन है, अंटिल एंड अनलेस वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन खुद आपको इसके लिए परमिट ना करे, जो बहुत ही रेयरली ही किसी को दिया जाता है, वो भी सिर्फ तभी जब एडमिनिस्ट्रेशन का उससे कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ हो। अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि सिटीजंस यहाँ से लीगली एस्केप नहीं कर पाते, एंड हेंस दे कनेक्ट विद इल्लीगल ट्रैफिकर्स, जो इन्हें एक से दूसरे बॉर्डर्स पे क्रॉस करने में हेल्प करते हैं। नाउ करेंटली अगर आप नॉर्थ कोरियन बाउंड्रीज को देखेंगे ना, तो डिफेक्टर्स के पास एस्केप करने के लिए तीन मेजर ऑप्शंस हैं। नंबर 1 साउथ कोरिया, नंबर 2 चाइना और नंबर 3 रशिया। नाउ इन केस अगर नॉर्थ कोरिया से ढेरों तकलीफों को पार करके लोग साउथ कोरिया में सक्सेसफुली एंटर कर जाते हैं, तो साउथ कोरियन एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें कुछ स्टेजेस के बाद तुरंत ही एक नई लाइफ शुरू करने के लिए सिटीजनशिप परमिट कर देते हैं। किम जी योंग, जिन्होंने 31 साल की एज में नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में एस्केप किया था ना, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया था कि साउथ कोरिया में घुसते ही इंटेलिजेंस सर्विस उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं वो नॉर्थ कोरिया से आए कोई स्पाई तो नहीं है। इसके बाद डिफेक्टर्स को हानावोन नाम के एक इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें साउथ कोरिया के तौर तरीकों से रूबरू करवाया जाता है और सेटल होने में हेल्प कराया जाता है। देन उन्हें गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किए गए स्पेशल रिफ्यूजीज में भेजा जाता है, जहां सरकार उन्हें गाइडेंस देने के साथ साथ उनके बैंक अकाउंट्स, उनका मोबाइल फोन सेटअप करवाती है फॉर देयर स्मूथ एडजस्टमेंट्स। आफ्टर सम टाइम उन्हें पब्लिक रेंटल होम में कुछ दिनों के लिए खाने के साथ छोड़ दिया जाता है, और वो भी नागरिकता के साथ, और उसके बाद फिर ये उन सिटीजंस की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आगे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। अब एक तरीके से साउथ कोरिया नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को लेके बड़ा ओपन होकर उनका वेलकम करता है, बट इट इज नॉट सेम विद अदर कंट्रीज। ऐसी कई रिपोर्ट्स आ चुकी है जिसमें कहा जा चुका है कि चाइना अगर किसी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर को पकड़ लेता है ना, तो उसे वापस से नॉर्थ कोरिया भेज देता है। यही हाल रशिया में मौजूद डिफेक्टर्स का भी होता है, जैसा कि चोई कुम चोल नाम के एक नॉर्थ कोरियन साइबर एक्सपर्ट को भी रशिया में बेसलेसली अरेस्ट करके वापस से नॉर्थ कोरिया भेजने के लिए पहल छेड़ी गई थी। और ऐसे ही सैकड़ों नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को पकड़े जाने के बाद रशिया वापस से नॉर्थ कोरिया में भेज देता है, जहां वापस जाने से लोगों के लिए मौत ज्यादा अच्छी होती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया वापस भेजे जाने के बाद डिफेक्टर्स को कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता है, जहां उन पर टॉर्चर करने के साथ साथ ऐसी बर्बरता अपनाई जाती है कि पूछो मत। नाउ टेक्निकली नॉर्थ कोरियंस के पास भाग के जाने के लिए सिर्फ एक ही परफेक्ट ऑप्शन बचता है, और वो है साउथ कोरिया। बट अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। नाउ फॉर एग्जांपल statista.com के आंकड़ों के हिसाब से जहां साल 2016 में 1418 डिफेक्टर्स साउथ कोरिया गए थे, तो वहीं पर साल 2017 में 1127, साल 2018 में 1137 और 2019 में केवल 1047 लोग ही नॉर्थ कोरिया एस्केप कर पाए थे। साल 2020 में आया कोविड, ग्लोबली लग गया लॉकडाउन और सभी ने अपने बॉर्डर्स बिल्कुल ब्लॉक कर दिए। इसी कोविड की वजह से साल 2020 में महज 229 डिफेक्टर्स ही नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया एस्केप कर पाए थे, मगर साल 2021 में कंडीशंस और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि साल 2021 में सिर्फ 63 लोग और साल 2022 में भी 100 से कम लोग ही नॉर्थ कोरिया एस्केप कर पाए थे। यूनिफिकेशन मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से साल 2023 में सिर्फ 34 लोग ही नॉर्थ कोरिया एस्केप कर पाए थे, मगर सवाल ये आता है कि ये आंकड़ा दिन ब दिन कम क्यों होता जा रहा है? क्या नॉर्थ कोरिया की कंडीशंस सुधरती जा रही है? वेल, इसका जवाब है
बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कोविड की आड़ में नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को हर तरफ से बंद कर लिया है। देखो, नॉर्थ कोरिया ने साल 2020 में टूरिस्ट की एंट्री बिल्कुल ही बंद कर दी थी, जिस वजह से यहां का इंटरनेशनल ट्रैवल बिल्कुल जीरो पे आ गया था। यही नहीं बल्कि चाइना और कोरिया का बॉर्डर कम्प्लीटली सील कर दिया गया था ताकि दोनों तरफ से कोई भी आ जा ना सके, जिस कारण डिफेक्टर्स के लिए चाइना का ऑप्शन खत्म हो चुका था। और सेम वाज हैपेंड विद साउथ कोरिया। ऐसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दी गई थी कि अगर किसी को नॉर्थ कोरिया में ही एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जाना है तो उसके लिए स्पेशल परमिट लगता था। अगर इतने सारे परमिट्स का जुगाड़ करके भी किसी तरह बंदा कोरियन डीमिलिटराइज जोन तक पहुंच गया तो वहां से बॉर्डर फाड़ना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। रीजन बीइंग कि वहां पर इतनी बड़ी बड़ी फेंसेस लगी हुई थी कि उन पर चढ़ना और चढ़ने के बाद उनको फाड़ना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। डीएमजी वॉल्स के पहले एक लाइन से हजारों नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स भी तैनात रहते थे, जिनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती, बल्कि उन्हें खुली छूट दी जाती थी कि अगर उन्हें कोई भी सस्पेक्टेड डिफेक्टर दिखे तो वो तुरंत उसे गोली मार दे। नाउ हो ना हो, एस्केप अटेम्प्ट्स आज भी होते ही होंगे, पर इससे पहले कि कोई सक्सेसफुल होता होगा उसे पहले ही या तो मार दिया जाता होगा या फिर टॉर्चर कैंप्स में डाल दिया जाता होगा, जहां उनके साथ क्या होता है ये कभी भी कोई जान नहीं पाता। जैसा कि हम सभी जानते ही है कि नॉर्थ कोरिया की मीडिया कितनी इंडिपेंडेंटली अपनी न्यूज़ेस को चला सकती है। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और ऐसे डिक्टेटेड देशों के बारे में जितना पढ़ो उतनी खुशी होती है कि भगवान ने हमें भारत जैसे बेहतरीन देश में भेजा है। ये कितनी खुशकिस्मती की बात है। इस बात पर यार नीचे कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।